हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश फ्रॉक की डिज़ाइन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और पार्टी वेयर फ्रॉक तैयार हुआ है। देखिए, बहुत ही खूबसूरती से हमने इसे डिज़ाइन किया है। यूनिक डिज़ाइन लेते हुए हमने ये फ्रॉक को तैयार किया है। अम्ब्रेला फ्रॉक है और दस्ती का हमने उस पर डिज़ाइन करते हुए बहुत ही स्टाइलिश फ्रॉक को तैयार किया है। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आए तो आपके लिए प्लीज़ इस तरह की तैयार करें, आपके ऊपर भी बहुत खूबसूरत दिखाई देंगी। तो देखते हैं कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये दस्ती फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं। हमने उसके लिए ये जॉर्जेट कपड़ा ले लिया है, 3 मीटर 2 मीटर अस्तर का है और इसकी हमें उसके ऊपर डिजाइन डेकोरेशन करना है, इसलिए हमने ये कपड़ा 1 मीटर ले लिया है। हम पहले हमारा जो जॉर्जेट का कपड़ा है इसका अम्ब्रेला कटिंग करते हुए अस्तर की कटिंग करेंगे और फिर देखेंगे हमारा डेकोरेशन किस तरह से है। हम पहले जॉर्जेट के कपड़े का अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए क्रॉस में कपड़े की घड़ी डाल देंगे। क्रॉस में कपड़े की घड़ी हमने डाल दी है। अब यहाँ पे हम कमर का नाप डालते हुए अम्ब्रेला फ्रॉक का डायग्राम डालेंगे। हमारे कमर का नाप लेंगे, कमर का नाप है हमारा 6.5, 6.5 पे डॉट करेंगे। नोक पे इस तरह से टेप को पकड़ते हुए, ये देखिए नोक पे हमारा डॉट है, इस डॉट के मुताबिक हम पूरा सर्कल तैयार कर लेंगे। पेटी का तैयार माप ऊपर छोड़ेंगे 13। यहां से हमें फ्रॉक की पूरी लंबाई लेनी है। हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई है 44 पे डॉट करेंगे। हमने यहाँ पे पेटी का तैयार माप ऊपर छोड़ते हुए 44 पे डॉट किया है। अब हम जहां पे हमारे कपड़े का कोन तैयार है वहां पे टेप को इस तरह से रखते हुए डॉट को नाप लेंगे, ये देखिए 40। इसी तरह से हम ये 40 पे डॉट करते हुए पूरा सर्कल तैयार कर लेंगे। हमने ये 40 पे डॉट करते हुए सर्कल का डायग्राम डाल दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारे फ्रॉक की घेर की कटिंग हो गई है, इसी के मुताबिक हम अस्तर का डायग्राम डालेंगे। अस्तर के ऊपर हमने इस तरह से ये डायग्राम डाल दिया है, जिस तरह से हमने जॉर्जेट के कपड़े के ऊपर कमर का नाप लेते हुए यहाँ पे डॉट किया था, उसी तरह से हमने यहाँ पे डॉट करते हुए 4 इंच कम दिया है हमने अस्तर का कपड़ा। जहाँ पे हमारी 44 की लेंथ थी यहाँ पे हमने इसकी 40 पे डॉट करते हुए इस तरह से सर्कल तैयार कर लिया है। हमने अस्तर का डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अस्तर की घेर की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। इस तरह से हमने 4 डबल में कपड़े की घड़ी डाल दी है। यहाँ पे हमारे कपड़े को थोड़ा सा ज्वाइंट आने वाला है, हमने इसकी इस तरह से कपड़े की घड़ी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम पेटी का माप लेंगे। 13 इंच हमने तैयार माप ऊपर छोड़ा था, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम पेटी की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर का नाप डालेंगे, शोल्डर हमारा 5.5, हाफ राउंड 5.5। जहाँ पे हमने हाफ राउंड का डॉट किया है वहां पे हम चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे, छाती का नाप है हमारा 8.5, 1.5 इंच माया, 7 कमर, 1.5 इंच माया, डॉट टू डॉट लाइन अप कर लेंगे। 1.5 इंच स्किप करते हुए यहां से इतना हमें नापते हुए इसके सेंटर में डॉट करना है, 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए, ये देखिए ये डॉट से ये डॉट को हमें इस तरह से लाइन अप करना है। एक इंच पे हमने गहरी कटिंग की है, ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। पेटी का डायग्राम कंप्लीट हो गया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी पेटी की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना है, इसीलिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ पे हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे और पेटी के शोल्डर के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ राउंड का नाप लेते हुए हमें शॉर्ट स्लीव्स निकालनी है। इस तरह से फिंगर की मदद से हम इस तरह से राउंड करते हुए हाफ राउंड का नाप लेंगे, ये देखिए 8.5, 1/2 इंच छोड़ते हुए हम 8 पे हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे।
बचे हुए कपड़े को हमने इस तरह से ये चार डबल में फोल्ड करके डाल दिया है। इसमें से हमें शॉर्ट स्लीव निकालनी है। स्लीव्स की लेंथ हमारी 6 इंच है, 6 पे डॉट करेंगे, 2.5 पे डॉट करते हुए जहां पे हमने 2.5 का डॉट लगाया है वहां पे हम हाफ राउंड का नाप लगाएंगे। हाफ राउंड का नाप हमारा 8 है। आठ पे डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच पे डॉट करेंगे, जहां पे हमने 1.5 इंच का डॉट किया है वहां से हमें इस तरह से ये हाफ राउंड का शेप तैयार करना है। 4.5 हमारे हाथ की गोलाई है, 1.5 इंच माया इस तरह से हमारा ये स्लीव तैयार हो गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम जो जॉर्जेट का कपड़ा है उसके ऊपर ये रखते हुए हम स्लीव्स और पेटी की कटिंग करेंगे। ये हमारा घेर में से बचा हुआ कपड़ा है जॉर्जेट का। पेटी के लिए कपड़ा निकालना है और स्लीव्स निकालना है। हम ये पेटी के लिए कपड़े की घड़ी इस तरह से डाल देंगे। अस्तर के कपड़े के मुताबिक हमने ये पेटी की कटिंग कर ली है। अब ये बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स किस तरह से निकालना है वो देखेंगे। लॉन्ग स्लीव्स के हिसाब से हमने ये कपड़े की घड़ी ले ली है। चार डबल में हमारे कपड़े की घड़ी है। ये स्लीव्स कटिंग है, इसी को हम इसके ऊपर रखते हुए इसके हिसाब से ही हमें ये लॉन्ग स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये बचा हुआ जो कपड़ा है हमारा, यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए हम इसे ज्वाइन देंगे और ये स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। इसी के मुताबिक हमारी ये स्लीव्स हो गई है। स्लीव्स की गोलाई हमने 4.5 ली है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने ये स्लीव स्ट्रेट में कटिंग कर ली है। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से वो देखेंगे। स्टिचिंग में हम सबसे पहले पेटी पे जो का कपड़ा है उसे अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए पूरे कपड़े को अटैच कर लेंगे। ये अस्तर अटैच कर लिया है। अब इसके हम गले की कटिंग करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसे 2 इंच के फासले पे इस तरह से डॉट लगाएंगे। 5.5 पे डॉट लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स तैयार करेंगे और इसकी हम राउंड शेप में डायग्राम डालेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सामने का भाग है, इसे हम गहरी कटिंग भी कर लेंगे। 1.5 इंच छोड़ते हुए हम इसे यहां से 1 इंच के फासले पे इसे इस तरह से कट कर लेंगे। हमारा ये फ्रंट साइड कटिंग हो गए हैं। अब बैक साइड की भी हम इसी तरह से गला कट कर लेंगे। पीछे का गला भी हमने 2.5 इंच पे कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसे फ्रंट साइड और बैक साइड इस तरह से रखते हुए शोल्डर पे हम 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच की सिलाई लगाने के बाद हमें इसे पाइपिंग करते हुए गले को तैयार करना है। पहले हम इसकी शोल्डर सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर टू शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब इसे गले की पाइपिंग करने का तरीका देखेंगे किस तरह से करना है। ये हमने उसके लिए इस तरह से ये वेरेबी कट में पट्टी कट कर ली है गले के मुताबिक। इसे हम डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे उल्टी साइड से इस तरह से 1/2 इंच पे सिलाई लगाते हुए पूरे गले को स्टिच कर लेंगे। ये हमने पाइपिंग को सिलाई करते हुए फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। हमारा गला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे शोल्डर पे हमें डिजाइन करते हुए यहाँ पे दस्ती के डिजाइन तैयार करना है। उसके लिए हमने एक साइड का शोल्डर इस तरह से सिलाई इसकी निकाल दी है। जो हमें डिजाइन करनी है वो डिजाइन हमें शोल्डर से तैयार करनी है, इसलिए हमने ये शोल्डर की सिलाई खोल दी है। ये देखिए इस तरह से हमें ये चौकोन कपड़ा लेना है। ये हमने इसी कपड़े से रिलेटेड ये कपड़ा लिया है। इतना चौकोन कपड़ा लेना है। 25 इंच इसकी चौड़ाई है, 25 इंच इसकी लंबाई है। हमने पूरा 25x25 का ही कपड़ा लिया है और इसे चारों साइड से सिलाई लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से क्रॉस करेंगे बिल्कुल दस्ती की शेप में। इस तरह से इसे क्रॉस करते हुए हम इसे शोल्डर में अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें शोल्डर में इसे अटैच करना है। इस तरह से अटैच करते हुए हम ये शोल्डर को
यहाँ पे स्टिच करते हुए ये दस्ती को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर पे हमने ये हमारे दस्ती को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम हाफ राउंड पे स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। उसके पहले हमें स्लीव्स तैयार करना है। तरह से हमारे हाफ स्लीव्स तैयार करके रख लिए थे, इसे फोल्डिंग कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमारे जो लॉन्ग स्लीव्स है, लॉन्ग स्लीव्स में हमें इसे लॉन्ग स्लीव्स में हम इसे इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ पे स्टिच करते हुए इसे ऐड कर लेंगे। हमने स्लीव्स पे इस तरह स्लीव्स को हमने अटैच करते हुए इस तरह से तैयार कर लिया है। और जो हमने दस्ती का कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसे हमने यहाँ पे इस तरह से ये पट्टी के लेवल में यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये डिजाइन के मुताबिक ये पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसे शोल्डर पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। हमने ये पेटी को इस तरह से रख लिया है। अब इसके हाफ राउंड पे हम स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये स्लीव्स हम इस तरह से लेंगे और उल्टी साइड पे रखते हुए हम इसे आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों साइड से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को हमने आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। डेढ़ इंच में फिटिंग लगाते हुए हम पेटी को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। डेढ़ इंच पे हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। पेटी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इसके नीचे का घेर तैयार करेंगे। घेर को हमने नीचे से पीको करते हुए इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हम इसे कम्प्लीट करेंगे। इसी तरह से हमें अंदर के अस्तर की भी पीको करते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हमने अस्तर को भी तैयार कर लिया है। और जो हमारा जॉर्जेट का कपड़ा है उसे भी हमने आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए घेर को तैयार कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। अस्तर को भी सीधा कर लेंगे। अस्तर को सीधा करते हुए हम इसका जहां पे हमारा कमर वाला भाग है यहाँ पे इस तरह से अंदर डालते हुए देखिए इस तरह से हमें ये कमर में अटैच कर लेना है। आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हम ये घेर को तैयार कर लेंगे। हमने घेर को सिलाई लगाते हुए घेर हमारा तैयार हो गया है। कमर में हमने इसे स्टिच करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पेटी पे किस तरह से अटैच करना है देखेंगे। हमें ये देखिए पेटी के मुताबिक हमारा ये घेर तैयार है। हम घेर को यहाँ से उल्टी साइड करेंगे इस तरह से। और जहाँ पे हमारी ये स्टिच है वहां पे हम पेटी की स्टिच इस तरह से अटैच करते हुए इसे भी हम जिस तरह से हमने घेर तैयार किया है इसे भी हम उसी तरह से यहाँ पे आधे इंच सिलाई लगाते हुए पेटी को तैयार कर लेंगे। पेटी अटैच करते हुए हमने ये घेर अटैच कर लिया है। हमारा फ्रॉक पूरी तरह से तैयार हो गया है। अभी हमने जो डिजाइन के लिए यहाँ पे ये कपड़ा अटैच किया है इसे हम यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से हमने ये प्लेट यहाँ पे लगा ली है। अब जहां पे हमने ये प्लेट लगाई है यहाँ पे हम इसे बॉल पिन से अटैच कर लेंगे और इस पे हम स्टिच करते हुए इसे इसी तरह से ऐड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर का बेल्ट बनाने का तरीका देखेंगे। हमने ये बॉल पिन अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे अटैच कर लिया है। हमारा ये डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ का बेल्ट बनाने का तरीका देखेंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने ये इस तरह से तीन पट्टियां कट कर ली है। 4 इंच चौड़ाई में 20 इंच लंबाई में हमने ये तीन पट्टियां कट की है। ये पट्टी हमारी कमर के मुताबिक है और ये हमने 20 इंच लंबाई में ली है। ये पट्टी हमें इसके यहाँ पे अटैच करना है और ये यहाँ पे अटैच करते हुए हम ये एक दूसरे को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए आधे इंच पे स्टिच करना है। हमने ये बेल्ट तैयार कर लिया है। अब इसे फ्रॉक पे किस तरह से अटैच करना है देखेंगे। हमने ये जो जॉर्जेट कपड़े का बीच में सेंटर में इस तरह से ये पट्टा तैयार किया है ये हमें यहाँ पे सेंटर में लगाते हुए यहाँ पे जहाँ पे हमारे फ्रॉक की स्टिच है यहाँ पे हम इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे एक स्टिच करनी है और जहाँ पे इधर की साइड पे सिलाई है वहां पे भी हम इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे।
एक स्टिच हमें यहाँ पे करनी है। इस तरह से हमारा ये बेल्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो हमने कपड़े का बंद तैयार किया है, ये हम बैक साइड पे बांधने के लिए यूज करेंगे। इसे यहाँ पे स्टिच करते हुए पहले ऐड कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रॉक तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये फ्रॉक को डिज़ाइन किया है। और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन करते हुए हमने ये सिंपल अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार किया है। बहुत ही स्टाइलिश और पार्टी वेयर फ्रॉक की डिज़ाइन तैयार हुई है ये। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ आपके लिए एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और पार्टी वेयर फ्रॉक तैयार हो जाएगा। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। हमने ये नेट के ऊपर से देखकर डिज़ाइन तैयार की है। आपको अगर नेट पे से कोई और डिज़ाइन पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसी डिज़ाइन के मुताबिक मैं आपको वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।